दाग धब्बों से पाक, निखरी, गोरी, चमकदार रंगत चाहते हैं तो आज ही ये राइस मास्क बना के अपने घर में रख लें और अपने फेस पे डेली बेसिस पे आप इसको अप्लाई करें। विद इन 7 डेज आपकी जो स्किन है वो ट्रांसफॉर्म होगी ग्लास स्किन में। यहाँ पे इसके कुछ क्लिप्स मैं आपको शो करवा रही हूँ। ये सिर्फ 1 यूज़ के रिजल्ट हैं। इंस्टेंट इस राइस मास्क से आपको रिजल्ट मिलते हैं। ये ना सिर्फ आपके फेस की डार्कनेस को दूर करता है, छाइयों को दूर करता है, बल्कि अगर आपके फेस पे प्रीमैच्योर साइंस ऑफ एजिंग है उसको रिमूव करता है, चेहरे की डार्कनेस को, कालेपन को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। आपके फेस पे ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं जो कि आपके एक्नी का बाइस बनते हैं, पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स है जो कि एक्नी स्पॉट्स रह जाते हैं, या फिर आपके फेस पे आपकी आइज़ के अराउंड झुर्रियाँ आने लगे हैं, लाइन्स आने लगे हैं, इन सब चीज़ों को रिमूव करके आपको ग्लास स्किन प्रोवाइड करता है। इतना पावरफुल है ये मास्क के सन की जो ख़तरनाक शुआएँ होती हैं जो कि आपके फेस को डैमेज कर देती हैं उससे भी आपके फेस को बचाता है। तो चलिए इसको किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से अप्लाई करना है, सब चीज़ें इस वीडियो में शेयर करने चाह रही हूँ। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि कुछ स्टेप्स, कुछ टिप्स आपके साथ मैं शेयर करने चाह रही हूँ। इसको एप्लीकेशन का इसका एक अलग ही तरीका है, तो सब चीजें आपने अच्छे तरीके से फॉलो करनी है ताकि आपको भी अमेजिंग और इंस्टेंट रिजल्ट्स मिल सके। इसका सबसे पहला और मेन इंग्रेडिएंट है राइस। आप सब जानते हैं कि कोरियन और जापानीज जिनकी स्किन से हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, उनकी ग्लास स्किन होती है, तो वो अपनी स्किन केयर में राइस का किस कदर इस्तेमाल करती हैं। हर उनकी रेमेडी में राइस का इस्तेमाल किया जाता है। तकरीबन 4 चम्मच आप ले लेने हैं राइस के, कोई भी अगर आपके पास जैसे भी राइस घर में मौजूद हैं वो आपने ले लेने हैं, 4 चम्मच के करीब आपने लेने हैं। उसके बाद आपने इनको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। कोई भी चीज़ अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो उसकी सफाई का ख़ास तौर पे आप ख्याल रखा करें, क्योंकि अपनी फेस पे आपने इसको अप्लाई करना होता है और बैक्टीरिया से पाक चीज़ अपने फेस पे अप्लाई किया करें ताकि आपके फेस पे कोई भी एक्नी ना आए, कोई भी पिंपल्स वगैरह या वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स जो हैं वो बनना ना स्टार्ट हो। अच्छे से आपने इनको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इनको सोक करके रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। पूरी रात के लिए भी आप इसको सोक करके रख सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए 1 अदद पैन। पैन में आपने ये राइस जो है वो ट्रांसफ़र कर देने हैं और उसके ऊपर आपने 1 कप के करीब पानी और इसमें ऐड कर देना है। ये इतना पावरफुल पैक बनके तैयार होगा ना कि जब आप इसको अप्लाई करेंगे ना तो सिर्फ 1 यूज़ में आप खुद बोल उठेंगे कि वाओ, इतने अमेजिंग और इतने इंस्टेंट रिजल्ट्स हैं। आपने इसको पैन पे रख देना है और जब ये बिल्कुल पक जाए और कुछ इस तरह की फॉर्म में आ जाए, आपने कुछ लिक्विड इसमें रहने देना है। टोटली इसको आपने ड्राई नहीं करना है, इसमें पानी की मिकदार आपने मौजूद रखनी है। इनको अच्छे तरीके से आपने पका लेना है और जैसे ही ये पक जाए इसी पानी के समेत आपने इसको कर लेना है ब्लेंड। इस पानी का आपने एक भी कतरा ज़ाया नहीं होने देना है क्योंकि इसमें प्रोटीन और मिनरल्स भर भर के मौजूद हैं, तो आपने उसी पानी के समेत इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। जैसे ही आप इसको ब्लेंड करेंगे तो ये क्रीमी सी फॉर्म में आ जाएगा, क्रीमी से टेक्सचर में आ जाएगा। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो सेम टू सेम ऐसे ही होनी चाहिए। तमाम स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करिएगा ताकि आपको भी ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिल सके। अब ये जो राइस क्रीम बन के तैयार हुई है, आप इसको 7 डेज तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। आप प्रॉपर एक क्रीम बना के रख लें, एक बेस क्रीम बना के तैयार कर लें डेली बेसिस पे। जो नेक्स्ट मैं आगे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आपके साथ शेयर करूँगी वो ऐड करके तो अपने फेस पे इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। अब उस क्रीम में से तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैंने निकाल लिए हैं और उनको सेपरेट कर लिया है ताकि मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करूँ। अब मैं इसमें मज़ीद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी जो कि आपके फेस पे 4 चांद लगा देंगे। अब इसमें जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट मैं ऐड करने चाह रही हूँ वो है शहद। आप सब जानते हैं कि शहद जो है हमारी स्किन के लिए इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन में जो नमी है उसको बरकरार रखता है। 1 चम्मच आपने इसमें ऐड करना है शहद का। उसके बाद इसको पहले आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं शहद की, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं इस राइस क्रीम की, आपस में अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाए और जब आप इसको अपने फेस पे अप्लाई करें तो ये आपको 100% रिजल्ट्स दें। अब जो नेक्स्ट स्टेप आपने करना है, नेक्स्ट जो चीज़ इसमें ऐड करनी है वो है आलमंड ऑयल। आपने ओरिजिनल आलमंड ऑयल लेना है, इसके तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप्स आपने इसमें ऐड करने हैं। 2 से 3 ड्रॉप्स इनफ हैं आपकी स्किन को, आपकी स्किन बैरियर को
चेंज करने के लिए, आपकी स्किन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अब जो नेक्स्ट चीज़ इसमें मैं ऐड करने चाह रही हूँ ये है ग्लिसरीन। एक चम्मच के करीब आपने इसमें ग्लिसरीन का ऐड करना है। हाइलुरोनिक एसिड का काम करती है आपके फेस पे, आपके कलर को इवन टोन बनाती है, आपका कलर कॉम्प्लेक्शन फेयर करती है। नेक्स्ट जो चीज़ इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ वो है एक चम्मच के करीब एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल अगर आपके पास फ्रेश मौजूद है तो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास मार्केट की मौजूद है तो आप मार्केट की भी यूज़ कर सकते हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आप कोई भी स्पेसिफिक एलोवेरा जेल इसमें ऐड करें। अब जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने चाह रही हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। चूँकि राइस जो है हमारे फेस के एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है, मेरी स्किन चूँकि बहुत ज़्यादा ऑयली है मैं इसमें कोई भी ऑयल ऐड नहीं कर रही। अगर आपकी स्किन जो है वो एक्स्ट्रा ड्राई है तो आपने इसमें एक चम्मच भर के कोकोनट ऑयल ऐड करना है। मैं इसलिए नहीं कर रही चूँकि मेरी स्किन पहले ही बहुत ज़्यादा ऑयली है तो मुझे ऑयल की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी स्किन ऑयली नहीं है तो एक चम्मच कोकोनट ऑयल या फिर कोई भी ऑयल जो आपकी स्किन पे सूट करता है आप वो ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लें तो आपका जो पेस्ट है वो तैयार हो चुका है। अब इसको अप्लाई करने से पहले आपने कोई भी क्लेंजर आपके पास मौजूद है जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं या फिर फेस वॉश आपके लिए मौजूद है जो कि आप यूज़ करते हैं, उससे आपने अपने फेस की पहले अच्छे से क्लेंजिंग करनी है। अगर आप क्लेंजिंग नहीं करेंगे, गंदे फेस पे इसको अप्लाई करेंगे तो आपको वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने फेस की डीपली क्लेंजिंग करनी है। क्लेंजिंग करने के बाद मेरी जो स्किन है ना वो कुछ इस तरीके से ग्लो करना स्टार्ट हो चुकी थी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी है कि बिल्कुल रेडी है कि इस पर मैं ये मैजिकल सा मास्क अप्लाई करूँ। ऑल ओवर द फेस आपने इस मास्क को अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेना है। जहाँ जहाँ पे आपको एक्नी है, जहाँ जहाँ पे पिगमेंटेशन है, आपको डार्क स्पॉट्स हैं, जहाँ पे आपके प्रीमेच्योर साइंस ऑफ एजिंग है, आपके लाइंस हैं, रिंकल्स वगैरह आना स्टार्ट हो चुकी हैं, आपने ये अफेक्टेड एरियाज़ जो हैं इनको ज़्यादा हिट करना है। अच्छे से वहाँ पर आपने इस क्रीम को, इस मास्क को अप्लाई करना है। जब आप सिर्फ इसको एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको इतने अमेजिंग, इतने इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे कि आपका दिल चाहेगा कि आप डेली बेसिस पे इसको अपनी स्किन के रूटीन में शामिल कर लें। और डेली ये जो राइस मास्क है ना ये आपकी स्किन को ग्लास स्किन में ट्रांसफॉर्म करता है। अब यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से ऑल ओवर द फेस अप्लाई कर लिया है और आफ्टर 10 to 15 मिनट्स मैं यहाँ पे इसके आपको थोड़े से अभी रिजल्ट्स शो करवा रही हूँ। यहाँ पे मेरी स्किन का जो कलर है वो चेक कर सकते हैं, ग्लो चेक कर सकते हैं, मेरे फेस पे इंस्टेंट ग्लो आ चुका है। सिर्फ ये वन यूज़ के रिजल्ट्स हैं। अभी 7 डेज जब आप यूज़ करेंगे ना तो आप देखें कि आपकी जो स्किन है वो किस हद तक बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, आपका जो स्किन बैरियर है बहुत हद तक बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, आपका जो कलर कॉम्प्लेक्शन है वो बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगा। अच्छे से फिर आपने मसाजिंग करनी है। 15 मिनट बाद अच्छे से मसाजिंग के स्टेप को आपने कंप्लीट करना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट बहुत अच्छे तरीके से मसाजिंग करिएगा, उसके बाद अपने फेस को वॉश कर लीजिएगा तो आपको भी ऐसे ही अमेजिंग और इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे जैसे कि आप मेरी स्किन पे चेक कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको क्लोज करके दिखाऊं तो मेरी जो स्किन है वो कुछ इस तरीके से ग्लो करी है। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो यहाँ पे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो फिर आऊँगी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।